हम लोगों ने अ और आ की मात्रा किया था, उससे मिलते जुलते जो भी शब्द थे वो हम लोगों ने बनाए थे और लिखा। आज हम लोग अभी नया नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे और वो क्या है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा से और बड़े ई की मात्रा से शब्द वर्णों को शब्दों में कैसे बदला जाता है आज हम लोग से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर 20 निकाला टेक्स्ट बुक का। ओके, तो पेज नंबर 20 के ऊपर सबसे पहले है छोटे ई की मात्रा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी ई की मात्रा को कैसे लिखा जाता है, मैं बताती हूँ। अपनी अपनी नोटबुक निकालो और नोटबुक के ऊपर रफ बुक निकालना, हाँ, फेयर नोटबुक नहीं। प्लस ई क्या बना, द प्लस ई दी। उसके बाद प्लस ई को देखो, यहाँ पे पिंक रेड अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। मात्रा वो है छोटी ई की मात्रा, द प्लस छोटी ई को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दी। उसके बाद दी प्लस न को आपस में मिलाया तो क्या बन गया फिर, वो दिन। क्या बना, दिन। अब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा तो सेम ही रहती है, ई। तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे जब हम लोग लिखेंगे कि ये यहाँ पर छोटी ई की आएगी, वहां पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसमें कंफ्यूजन रहेगा ना। तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे, अभी ये जो छोटी ई की मात्रा है ना, जब हम लोग ई बोलते हैं ना तो थोड़ा सा मुख से थोड़ी सी आवाज आती है ई, और जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसके लिए लंबा ऐसे मुख से लंबी आवाज आती है ई, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग लिखेंगे, लिखो द प्लस ई प्लस ई इक्वल टू दी, ऐसे आगे निशान लगा और लिखो दी। पेज नंबर 22 0 लिखा। उसके बाद दी प्लस न दी प्लस न, फिर इन दोनों को आपस, मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि वर्णों को जोड़कर शब्द कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मात्रा भी वर्णों के साथ साथ उनकी मात्रा भी उनके साथ जोड़ रहे हैं, तो हम लोग जब उनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दी प्लस न क्या बन गया, दिन। क्या बना, दिन, दीन नहीं, दीन। अभी इसको बोलते टाइम दोनों में दीन, दिन और दीन में फर्क, अंतर है ना दोनों में, तो हमें क्या चाहिए अभी, दीन नहीं, दिन, दिन, छोटी की मात्रा। ओके, रफ बुक के ऊपर लिखो पहले प्रैक्टिस के लिए, बाद में जब मैं होमवर्क डाल दूंगी ना आप लोगों को, तब आप लोग फेयर नोटबुक पे ऊपर लिखना। अभी फिर प्रैक्टिस करने के लिए रफ बुक के ऊपर लिखो, फिर उसके नीचे है स प्लस ई क्या बन गया, सी।
बी एस पाटिल, हाँ अभी नेक्स्ट वन लिखेंगे, स लिखो, स प्लस ई इक्वल टू सी, हाँ हाँ रुकी हूँ मैं, आप लिखो स्लोली स्लोली लिखो, स प्लस ई सबसे पहले लिखो, स सपेरा हो गया, स सपेरा प्लस ई इमली, स प्लस ई इक्वल टू, फिर क्या बना, स से पहले हम लोग छोटी की मात्रा लगा देंगे, तो छोटी की मात्रा लगाई तो वो क्या बन गया, स प्लस ई सी, क्या बना, स प्लस ई इक्वल टू सी, लिखा ओके okay. अब उसके बाद लिखो सी प्लस र, अब जो छोटा सी बनाया था ना हम लोगों ने स को ई की मात्रा, वो लिखो सी प्लस र, लिखा हाँ। अब वो सी प्लस र को हम लोग जब आपस में जोड़ेंगे, प्लस को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिर ने सिर, क्या बन जाएगा, सिर, वेरी गुड। उसके आगे लिखो, अभी यहां पे आप लोगों को लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है, नाउ ट्रेस, अब आप लोगों को डॉट डॉट दिए हुए हैं, डॉट में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उन डॉट्स को आपस में जोड़ना और उनको लिखना। तो पहला है वो छोटी ई की मात्रा, क्या बन गया, बी, और उसके आगे लगाया ल तो क्या बन गया, बिल। नीट करना, एकदम नीट क्लीन से लिखना है, ट्रेस करना है ना, तो आगे पीछे लाइन नहीं, ठीक है, डॉट के ऊपर ही पेंसिल को घुमानी है, बिल, डन ओके। नेक्स्ट लिखो, आगे है त, तो को छोटी की मात्रा, यहाँ पहले लगाई हुई है ना छोटी की मात्रा, त को ई की मात्रा ती, और उसके आगे है ल लट्टू, अब हम इन सबको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ती प्लस ल, क्या बन गया, ती प्लस ती और प्लस प्लस लो को आपस में जोड़ो, प्लस को हटा दो और रीड करने की कोशिश करो, क्या बनेगा, तिल, तिल, वेरी गुड, यस। नेक्स्ट है तीन लेटर वर्ड, अभी आगे आगे तीन, तो तीन के लिए क्या करना है, क छोटी की मात्रा, क्या बना, की, की, ता, तो को आ की मात्रा, ता, और व की ताव, किताब, हाँ, को छोटी की मात्रा बन गया की, तो को आ की मात्रा बन गया ता, और आगे ब बकरी बन गया, अब हम तीनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो किताब, लिखा, डन ओके। नेक्स्ट है, आगे कौन सा है, अभी मुझे तो नहीं आ रही है पढ़ने, आप लोग मुझे पढ़ के बताओ ये क्या होगा नेक्स्ट वाला, हाँ मिठाई, वेरी गुड, क्लैप, किसने बताया अभी ये मिठाई, वाह, क्लैप करो,
ओके वेरी गुड, सबने बताया ना, तो सबको वेरी गुड। चलो अभी लिखेंगे हम लोग इसको, लिखो अभी अच्छे से। म को ई की मात्रा। हाँ यस यस। पेज नंबर 20, 20। वेलकम। आगे लिखो, म को छोटी की मात्रा। आगे ठ ठठेरा, ठ को आ की मात्रा और बड़ी ई, क्या बन गया? मिठाई। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आओ नीचे, आगे है रेड अक्षरों में लिखा हुआ, देखो यहाँ पे पढ़िए और दोहराइए, रीड एंड रिपीट। आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर दिया है, चित्र दिए गए हैं, चित्र के नीचे उनका नाम दिया गया है, तो आप लोगों को हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप लोगों को ये चित्र देख के पढ़ना है, ठीक है, कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके तो फर्स्ट वन कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको? गिलास। गुड। हाँ तो गो को यहाँ पे पिंक, पिंक में देखो, पिंक में से मात्रा लगाई हुई है ना, गो को छोटी की मात्रा, ग को ई की मात्रा बन गएगी। आगे ल को आ की मात्रा बन गया ला, और आगे स, क्या बन गया? गिलास। क्या बना? गिलास। ओके नेक्स्ट वन लिखो, देखो यहाँ पे कौन सा चित्र है ये? नो, नेक्स्ट वन कौन सा है? गिलास से आगे चिड़िया, स्पैरो। वेरी गुड। हाँ तो को देखो, च को आई की मात्रा, आगे ड डमरू को भी ई की मात्रा और आगे या, क्या बन गया? चिड़िया, चिड़िया। क्या बना? चिड़िया। नेक्स्ट वाला भी रीड करो। पिन। वेरी गुड। पिन, सेफ्टी पिन जिसको बोलते हैं ना हम लोग, पिन। हाँ को ई की मात्रा और न, क्या बन गया? पिन। उसके बाद नेक्स्ट वाला चित्र कौन सा है ये? विमान। वेरी गुड। ब को ई की मात्रा, म को आ की मात्रा और न, विमान। अपने आप रीड करना है, ठीक है, पेरेंट्स का हेल्प नहीं लेना है। ओके नेक्स्ट वन लिख, आगे वाला देखो, यहाँ पे कौन सा लास्ट का कौन सा चित्र है ये? हिरन। हिरन डियर। वेरी गुड। ह को बड़े की मात्रा और र और न, हिरन। हिरन। वेरी गुड। ये हो गई हमारी छोटी ई की मात्रा, क्या बन गई? छोटी ई की मात्रा। तो फिर से एक बार ये सारे फिर से मुझे पढ़ के बताओ, ये वाले नीचे वाले। गिलास। ओके चिड़िया, पिन के, विमान, नेक्स्ट हिरन। गुड। ये तो हो गए हमारी छोटी ई की मात्रा। अभी नेक्स्ट पेज पे आओ, बड़ी ई की मात्रा, पेज नंबर 21। आप लोगों को पता चला ना छोटी ई की मात्रा लेफ्ट साइड से कैसे लगाई जाती है, छोटी ई की मात्रा कैसे और बड़ी ई की मात्रा कैसे। बाद में फिर मैं बोर्ड के ऊपर आप लोगों को मात्राएं लिख के दूंगी,
लेकिन अभी पहले हम लोग टेक्स्ट बुक से यहाँ से रीड करेंगे और देखेंगे कि छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं और बड़ी की। ओके, नेक्स्ट निकालो पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 के ऊपर सबसे ऊपर देखना, यहाँ पे रेड अक्षरों में क्या लिखा गया है लाल अक्षरों में, बड़ा ई और उसकी बड़े ई की मात्रा। हाँ, तो बड़े ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है, देखो जरा ध्यान से कैसे लिखी हुई है वहां पे। छोटी ई की मात्रा के जैसे, लेकिन छोटी मात्रा कहाँ से, लेफ्ट से, और बड़े ई की मात्रा राइट साइड से लगाई जाती है। अब देखो यहाँ पे नीचे ई की मात्रा, ख ख प्लस ई क्या बन गया, खीर। नेक्स्ट है च प्लस ई, नाउ सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला है ना वो रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों को इसको करेक्शन करना है। यहाँ पे छोटी छोटी ई लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बड़ी ई। तो बड़ी ई के ऊपर मात्रा लगाओ, ख प्लस बड़े की बड़ी ई और र बन गया खीर। ख क बड़े की मात्रा प्लस र क्या बना, खीर। उसके बाद है च प्लस बड़ी ए की मात्रा क्या बन गया, ची। और प्लस ल, चील, चील गिद्ध, ठीक है। अब आओ नीचे, अब लिखिए नाउ ट्रेस। उनको ट्रेस करो, जो नीचे डॉट में दिए गए हैं ना शब्द, उनको लिखो नीटली, लिखना एकदम अच्छे से, और बड़े ई की मात्रा की प्रैक्टिस करो कि कैसे लगाते हैं। मैं देख रही हूँ कौन कौन लिख रहा है और कौन नहीं लिख रहा है, और किसको नींद आ रही है वो भी मैं देख रही हूँ। प्रशांत कोहली, नींद आ रही है ना, के लिखो। हाँ, ख को बड़े ई की मात्रा तो बन गया खी, और उसके आगे र रथ, और फिर इन लोग इनको आपस में जोड़ा वर्णों को, तो क्या बन गया, खी र खीर। उसके बाद वेरी गुड, यस, चार भी नाइस। नेक्स्ट लिखो च को ई की मात्रा और ल क्या बन गया, ची ल चील, यस। नेक्स्ट आगे कौन सा है, आप लोग रीड करो, मुझे तो नहीं आ रहा ये पढ़ने, क्या हो सकता है ये, बकरी, बकरी लेकिन कैसे बनी बकरी बताओ तो, मुझे तो नहीं आ रहा समझ ये पहला कौन सा वर्ण है वो। अच्छा, और उसके आगे कौन सा है, कोस, सच्ची को कमल है ना, यस, ओके। उसके बाद नहीं नहीं उसके बाद क्या है, क के बाद क्या है, मुझे तो वर्ड नहीं आ रहा समझ, कौन सा है ये, र, वेरी गुड। और रो को ये क्या लगाया हुआ है, ऐसे कुछ तो लगाया है ना, बड़ी की मात्रा, वेरी गुड। और फिर हम लोगों ने इनको आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, बकरी बकरी, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला कौन सा है बताओ, चलो नेक्स्ट बताओ, फिर नेक्स्ट कौन सा वर्ण है पहला,
क कबूतर, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, क म मछली, म को म मछली को कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा, और नीचे आगे क्या है? ज, तो क्या बन गया? क मी ज, क्या बन गया ये? कमीज, शर्ट जो हम पहनते हैं बॉयज लोग, शर्ट कमीज, वेरी गुड चार्बी। अभी आओ नीचे, नेक्स्ट है पढ़िए, पढ़िए और दोहराइए, रीड एंड रिपीट। तो आप लोगों को ये रीड करना है और रिपीट करना है, मैं नहीं साथ में बोलूंगी, अभी आप लोग ही पढ़ के बताओगे मुझे क्या है ये। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड टेल मी द नेम। ओके, फर्स्ट वन क्या है? नदी, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्या? जीप, टंग, टंग ज को ई की मात्रा, ब जीप। नेक्स्ट नील, नील, ओके कील। नेक्स्ट क्या है? लैंप, लैंप दीपक, वेरी गुड, यस। उसके बाद मशीन, म को शो, म शो को ई की मात्रा, न, क्या बन गया? मशीन, वेरी गुड। हाँ मुझे तो आता नहीं है था पढ़ने, लेकिन आप लोगों ने मुझे बता दिया पढ़ के, वेरी गुड। आप लोगों को तो सब आता नहीं, पेज टर्न करो। पेशेंट करो, किया यहाँ पर? हाँ, तो यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। मैं बोलूंगी, आप लोग सुनना और बाद में फिर मुझे बताना, ठीक है? एक लाइन मैं पढ़ूंगी, एक लाइन आप लोग बताओगे मुझे क्या लिखा है। तो सबसे पहले कौन सी ई है? छोटी, और छोटी ई के यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ग को ई की मात्रा, न गिन। नेक्स्ट है मिल, मिल। उसके बाद गिटार, उसके बाद सितार, सितार। अभी नेक्स्ट लाइन आप लोग पढ़ोगे, बताओ मुझे पढ़ के। टिकिया, वेरी गुड। नेक्स्ट बिटिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट चार्बी, किशमिश, वेरी गुड चार्बी। नेक्स्ट कौन सा है? रिमझिम, 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 वेरी गुड, सबको आता है। नेक्स्ट आगे कौन सा है ये रेड अक्षर में? ये बड़ी की, हाँ बड़ी। अब बड़ी से कौन कौन से शब्द बने हैं, रीड करो। कली, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट गीत, आगे नील। नेक्स्ट घड़ी, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट वन बकरी, वेरी गुड। यस, हाँ बकरी हो गया। नेक्स्ट आगे महीना, महीना, महीना। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट है नगीना, नगीना। उसके बाद है पसीना, उसके बाद है दिवाली, दिवाली। अच्छा दिवाली किसको किसको अच्छी लगती है, दिवाली का त्योहार?
दिवाली, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट, आगे पढ़ो। तरकारी, गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आगे, बरसाती, क्या बन गया? बरसाती। ओके नेक्स्ट है जल जीरा, जल जीरा, जल जीरा। ओके वेरी गुड। अभी आप लोग फिर से ये सारे मिलके पढ़ना, ठीक है? एक बार सभी फिर से रिपीट करो।